गुड आफ्टरनून फैमिली एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के दो और मेरी आंखें जो है आपको स्लीपी फुली लग रही थी कि मैं अभी सो के उठी हूँ। मतलब कि मैं सुबह में उठी थी एक बार 8 बजे उठी थी। मैंने सारे काम कर लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ मैंने कर लिया मैं और हस्बैंड जी। फिर जो है वो मौसम इतना अच्छा हो गया, मौसम तो अच्छा ही था। हाँ, आप देख सकते हैं हस्बैंड जी अभी तक नहाए नहीं थे और बारिश में नहाने का आनंद दे रहे हैं। मैं आज नहीं दे सकती हूँ ना, मैं रील्स वगैरह भी बनाती। हाँ, तो मौसम इतना अच्छा था कि मुझे नींद आ गई ब्रेकफास्ट खाने के बाद। और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, आज और कल नहीं जाऊँगी, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि हर मंथ जो है वो फीमेल को 2 दिन का जो है वो स्पेशल लीव मिलता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं एसएल मिलती है। तो वही मैंने लिया है, तो ऐसे मैंने लिया है, तो इसलिए मैं आज मतलब मुझे नींद आ गया तो मैं सो रही थी। और 2 बज गए हैं लेकिन अभी तक लंच भी नहीं बना है, तो मैं उठी हूँ अभी। अभी मैं और हस्बैंड जी मिल करके बनाएंगे, आधे घंटे में बन जाएगा। और बारिश तो इतनी हो रही है, इतनी झमाझम बारिश हो रही है ना कि मज़ा आ गया देख करके। और मैं आपको बताई थी मैं अपनी वीडियो में कि मैं जहाँ जाती हूँ पढ़ाने वहाँ पे स्नैक्स वगैरह जो है वो रोड पे आ जाते हैं, तो मैं तो बहुत डर के जा रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैं स्कूल गई थी, मैं तो रोड से जाती हूँ। मैं पहले मैं जितना फ्री भी जाती थी ना, जितना इन्जॉय करती थी मैं आने जाने को, क्योंकि रोड जो है वो इतना अच्छा है और वो एरिया इतना अच्छा है ना, हरा भरा, कि मज़ा आता है जाने में। लेकिन अब मुझे डर लगता है, तो कल मैं जा रही थी ना, तो एक स्नैक, हरा स्नैक जो होता है वो रोड के किनारे में था, तो मैं जो हूँ वो उसको देखते ही ब्रेक मारी। पता नहीं वो भी डर गया कि ये ऐसे क्यों ब्रेक मारी, तो वो वापस घास में चला गया। बहुत ज़्यादा रहता है स्नैक, अब तो बारिश पड़ गई है तो और स्नैक्स जो है वो बाहर रहेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको एक ऑयल से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड नेचर श्योर। नेचर श्योर की मैंने एक कमीज़ भी शेयर की थी और इस ब्रांड की मैं हेयर ऑयल जो है पिछले 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपना हेयर केयर रूटीन जो है थोड़ा अपडेट किया है। तो इस ऑयल में आपको मिलती है केशराज यानी भृंगराज की शक्ति, धतूरा की, त्रिफला की, इसमें आयुर्वेदिक गुण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जो हमारे हेयर हैं वो लॉस नहीं होते हैं और ये बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को। और ये ऑयल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ, ये यूवी रेज से भी आपको बचाता है, मतलब जो भी जो हार्श रेज होते हैं सन के, ये उससे आपके हेयर को बचाता है और ये कंट्रोल करता है मॉइस्चर को। मान लीजिए कि आप ऑफिस गोइंग वूमन हैं या आप बाहर आना जाना आप पर लगा रहता है, स्कूल कॉलेज जाती हैं आप, तो ये पॉल्यूशन जो कि पॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में हमारे हेयर तो आते ही हैं, तो ये उससे भी बचाता है। इन शॉर्ट दिस ऑयल स्टॉप्स हेयर लॉस एंड फॉल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स स्प्लिट एंड्स, मतलब दो मुँह बाल की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सॉल्व करेगा। एंड ये ऑयल जो है मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ग्रीनी है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये सूट किया, तो जब तक आप इसको ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक मैं बोल नहीं सकती हूँ कि आपको भी सूट करेगा। तो सूट करने के लिए क्या होगा, आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसके जो लिंक है वो मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर इसको खरीदिएगा, क्योंकि ये जो है वो यूवी रेज से बचाती है, पॉल्यूशन से बचाती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ई है, कैल्शियम प्रोटीन्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। मैं तो थक गई, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये फुल ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये हेयर ऑयल है, तो इसको मस्ट बाय चीज़ है। मैं आपके समक्ष वो चीज़ें लेकर के आती हूँ जो कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं ऐसे ही कोई प्रोडक्ट आपके सामने लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मैंने इतनी मेहनत से इसे खड़ा किया है, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाऊँगी जिससे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको लॉस लगे। ट्रस्टेड और जो भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट होंगे मैं वही आपके सामने लाऊंगी। तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेकआउट करना ना भूलिएगा। A few moments later. Good evening everyone, कैसे हैं आप सभी को, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मतलब आज का दिन ऐसा गया, मतलब 2 बजे तक तो बहुत ही अच्छा गया, 2 बजे के बाद सडनली कहानी में ट्विस्ट आ गया दिन में। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, लगभग 11:05 हो रहे हैं ना। हाँ, 11:05 फास्ट है हमारी घड़ी, हर घड़ी हमारी फास्ट होती है, लेकिन आप लोग को भी बता दिया जाता है कि 5 मिनट फास्ट है घड़ी। तो 11 बज रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस का
इसका ऑफिस का, मेरा ऑफिस का काम ऑफलाइन नहीं होता है, मेरा ऑफिस का काम ऑनलाइन होता है। तो देख सकते हैं चार चार फाइल रखी हुई है, मतलब शाम के 6 बजे से 11 बज गया इसका चारों फाइल का काम करने में। एक्चुअली बोला जाए तो क्या बोला जाए, वह फीलिंग वर्डलेस। तो गुल्लू रानी खाना खा रही है, देख सकते हैं खाने में बिजी है। मैंने खाया पराठा पोच, मतलब अंडा का पोच, और आम केला। उसके बाद दिन में हम लोग क्या खाए थे बेटा, पराठा खीर बनाई थी गुल्लू रानी, और बैगन का भुजिया भाजी जो भी बोल सकते हैं, और क्या था बेटा। और जब मैं पराठा और रोटी खाता हूँ तो मैंडेटरी है बीकाजी हल्दीराम भुजिया, बीकाजी नहीं हल्दीराम का भुजिया मैंडेटरी है मेरे, रोटी और पराठे के साथ होना मांगता। तो 11 बज गए काम करते करते, गुल्लू रानी भी लेट नाइट खा रही है। ऐसे हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं ना बेटा, लेकिन कुछ आज गुल्लू रानी का फाइल वाला काम था जो कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और मेरे काम के लिए ये भींगते भींगते आप गए थे और शाम में आए 5:30 बजे हमने लंच किया। समझ सकते हैं आप कि 2 बजे मैं अपना काम को बंद करके इसके काम के लिए गया, ओनली मात्र एक्चुअली हमारे काम के लिए गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसका भी काम तो मेरा ही काम है ना बेटा। तो चलिए गुल्लू रानी को खाने देते हैं। बारिश हुई थी काफी 2 बजे के बाद, यहाँ पे मूसलाधार और बारिश में भीज भीज कर मैं हमारे काम के लिए, यानी कि गुल्लू रानी के काम हमारा ही काम, हमारे काम के लिए गया। सचिव से एक्चुअली मिलना था, इसके कुछ फाइल से रिलेटेड वर्क थे वेरिफिकेशन के, तो सचिव से मुझे मिलने जाना था और हुआ भी काम, हुआ भी। 5 दिनों से मतलब घुमा फिरा, दिस डैट बहानेबाजी हो रहा था, लेकिन आज पता चला कि आज काम हो जाएगा, तो मैं भी बारिश में भीजते हुए चला ही गया काम कराने। और काम इसका सचिव से जो काम कराना था हो गया स्कूल का। तो अचानक आज उथल पुथल हो गया हमारे रूटीन में, मतलब 2 बजे तक जो है वो स्मूथली चला। मैंने ब्लॉग में शेयर किया था, मतलब ब्लॉग या मैंने बताया था, स्मूथली चला एंजॉयमेंट के साथ, उसके बाद तो यू टर्न मार लिया। और चूंकि आज लास्ट डेट भी था तो मैं तो निश्चिंत हो गया था कि इसका काम लास्ट डेट में नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे पता चला कि सचिव आ गए थे तो मैं भी निकल ही गया है ना बेटा, नहीं तो काम पेंडिंग हो जाता। चलिए तो कुछ कपड़े गुथे हैं मैंने, शाम में अभी धोना है क्योंकि सेंडो गंजी मेरा है नहीं जो कल मैं नहा के पहनूंगा। तो बाकी का अपडेट आपको गुल्लू रानी दे देगी, बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी बारिश का मौसम है, आज दिन भर बारिश पड़ी, आपको हस्बैंड जी ने अपडेट तो दे ही दिया होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ना ये गेट लगा के रखते हैं, जब भी हमें रूम में लाइट ऑन हम लोग करते हैं तो हम लोग ये वाली गेट हमेशा लगा देते हैं, तो कीड़े मकोड़े जो है वो अंदर आ जाते हैं। तो जब हम लोग जैसे कि अभी मैं ये लाइट यहाँ का ऑफ कर देती हूँ, मतलब अभी तो वीडियो बना रही हूँ, अभी ऑन रहने देती हूँ, तो फिर क्या करेंगे हम लोग जो है वो ये वाली जो गेट है स्लाइडर, ये हम लोग खोल देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए, हस्बैंड जी वहाँ अपने कपड़े जो हैं वो वॉश कर रहे हैं, पूरा भींग गया आज बारिश में, तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, वो रहे हस्बैंड जी। तो मैं दिन भर में 3 बार जो है वो अपना दांत में धोती हूँ। मैं बता देती हूँ, एक सुबह मैं पेस्ट से, सभी कोई धोते हैं, और मेरा स्पेशल पेस्ट है, आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी, वो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। और दोपहर में लंच करने के बाद एक बार ब्रश करती हूँ मैं यही पेस्ट से, एंड रात में मैं नमक और तेल से जो दांत है वो मैं क्लीन करती हूँ, ये मैं करती हूँ। क्योंकि 3 टाइम जो है वो पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं 2 टाइम करती हूँ, एक सुबह में, एक लंच करने के बाद, और रात में सोने के पहले, यानी डिनर करने के बाद और सोने के पहले मैं नमक और तेल से है वो ब्रश करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आप गूगल अगर करिएगा या डेंटिस्ट से पूछिएगा तो वो भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप ये ज़रूर कीजिए, या तो ये कीजिए या तो आप क्या कीजिए, गार्गल कीजिए ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल करके, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नमक और तेल जो होता है सरसों तेल वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं ये कंपल्सरी करती हूँ। ये जो है ये मम्मी पापा के एनिवर्सरी ने हमने मतलब हमने डेकोरेट किया था, ये नहीं आता है फॉयल वाला बलून, हैप्पी एनिवर्सरी वाला, ये वही है,
ये तब से ऐसे ही रखा हुआ, एक चेयर इसने प्रॉपर जो है वो छेक रखा है, और क्योंकि हमारे पास जो है ये जो स्ट्रॉ होता है ये नहीं था, इसलिए उस दिन मॉल से हम लोग फिर स्ट्रॉ लेकर के आए। तब हस्बैंड जी आज इसको इसका जो हवा है वो निकाल ही रहे थे कि इसको गोदरेज में रख देंगे, लेकिन उसी समय उनको मेरे काम के चलते बाहर जाना पड़ा, आपको तो हस्बैंड जी ने बताया, तो फिर ये काम भी पेंडिंग रह गया। मतलब कि आज ऐसी उथल पुथल मची कि आज कोई काम ही नहीं हो पाया।